मैं जम्मू से हूँ एंड आई हैव गॉट फॉलोइंग ईयर आई वन इन नीट एग्जामिनेशन. एक्चुअली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट इन 11th क्लास. आई जॉइन आकाश इंस्टीट्यूट एंड आई वॉज इन डीपीएस हाथीपुरम इन 11th क्लास. बिफोर दैट आई वॉज इन जम्मू. सो आई केम टू दिल्ली फॉर हायर स्टडीज एंड आई जॉइन द आकाश पीतमपुरा सेंटर. सो उससे मुझे काफी हेल्प हुई आगे के प्रोसेस में. द टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव. आई हैड वेरी गुड फ्रेंड्स एंड माय पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव एंड विद कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन आई वाज एबल टू अचीव माय गोल्स. काफी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने तैयारी कैसे की, तो आई विल बी शेयरिंग द स्ट्रेटजी विद यू. सो फिजिक्स में एक्चुअली मैं मोस्टली नोट्स बेस्ड पढ़ता था. जो जो नोट्स में था आई यूज्ड टू फॉलो दैट. And the physics, I think in physics the main thing is to do the questions. The more you practice, jitni zyada practice karoge, utna acha physics mein result aayega. NCERT ki meri alag strategy thi physics mein padhne ki. Main sirf NCERT mein points to ponder. And if you will see, in the physics NCERT there is highlighted test, the test in black. So I used to read that. And I used to study all the graphs in the NCERT. So that was the way I used to study physics. Physics was one of my favorite subjects, so it always caught my attention. So physics में हमेशा कुछ consistency नहीं रहती है. किस chapter से ज़्यादा question आएंगे हमें पता नहीं चलता. तो हमें हर chapter को equally अच्छे से prepare करना है. कुछ time में सारों को पता लग जाता है हमारे weak points ये हैं, ये chapter हमें अच्छे से नहीं आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहे हैं. तो वहीं पे आपको टीचर से पूछ लेना है. तो टॉपिक आप पढ़ रहे हो जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसे इतना डिटेल में पढ़ो कि आप बाकी चीजों में कंफ्यूज हो जाओ. बाकी जितने ज्यादा क्वेश्चन आप फिजिक्स में करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा. एंड डाउट्स पूछते रहो और टेस्ट देते रहो. दैट्स द थिंग. एक्चुअली फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो उसी हिसाब से मैंने उसको थोड़ा सा काम आज में रखा था. एक्चुअली आर आई स्टडी नहीं होती थी, मैं डिसाइड कर लेता था कि मुझे आज ये दो चैप्टर करना है या ये एक चैप्टर करना है. तो उस चैप्टर को मैं पहले नोट से रीड करता था. एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हाईलाइट किए होते थे सिर्फ वो पढ़ता था. एंड क्वेश्चन जितने मेरे से हो सके, 100 हो सकते हैं, 150 या 200 जितने भी हो सकते हैं उतने क्वेश्चन पढ़ता था. तो आर बेस्ड नहीं था, ये था कि इतना मेरा टारगेट है आज का एंड ये आज किसी भी तरीके से कम्प्लीट करना है, कल पे नहीं जाना. अगर देखा जाए तो स्कूल की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन सेम है. अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो स्कूल के लिए आपको ऑटोमेटिकली हो रहा है. बस ये चीज है, नीट में आपको एमसीक्यू करने होते हैं और स्कूल के लिए आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है. तो हर चीज से अगर कॉन्सेप्ट लेके चलते हो, मतलब रट्टा नहीं मारो, कॉन्सेप्ट लेके चलो, स्कूल में आपको बस जो आप एमसीक्यू नीट में करोगे उसी को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में स्कूल में करना है. कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वही रहती है, बस अंडरस्टैंड करके पढ़ाई करनी चाहिए. केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें तीन पार्ट्स आते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. तो फिजिकल जनरली मेरे ख्याल से सारों को ऑन द इजियर साइड लगता है क्योंकि इट्स मोस्टली कैलकुलेशंस, मोस्टली फॉर्मूलाज. तो उसमें आप नोट्स सेव कर सकते हो. अगर आपके पास कोई सोर्स है जिसमें काफी क्वेश्चंस हैं, फिजिकल के जितने क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा रहेगा. तो फिजिकल में ज्यादातर डाउट्स नहीं रहते हैं, डाउट्स हैं तो टीचर से क्लियर कर लें. इनऑर्गेनिक में लर्निंग वर्क होता है, उसमें डाउट्स रहते हैं कि हम कितना पढ़ें, कहाँ कहाँ से पढ़ें. तो अब नीट के लिए तो ये क्लियर हो गया कि इनऑर्गेनिक सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़नी है, एनसीईआरटी से बाहर इनऑर्गेनिक नहीं आती है. जितनी एनसीईआरटी में है वो भी बहुत है अगर उसको आप लाइन बाय लाइन डीपली पढ़ोगे. इनऑर्गेनिक की अगर आप नोट्स बना लो, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही लाइन में इतनी इंफॉर्मेशन है, शायद वो डिकोड ना हो पाए एक ही बार पढ़ने में. तो दो तीन बार आप रीडिंग दोगे, आप अच्छे से नोट्स बना लो ताकि नेक्स्ट टाइम आप नोट्स से ही पढ़ो और नोट्स से आपको पूरा कवर हो जाए. ऑर्गेनिक फॉर द लास्ट टू इयर्स इज आल्सो कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. सो इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी करनी है. अगर कोई टॉपिक है जो आपको एनसीईआरटी से नहीं समझ आ रहा है, जिसका कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल पा रहा है या फिर काफी शॉर्ट में दिया है एनसीईआरटी में, तो उसके लिए आप या मॉड्यूल रेफर कर सकते हो या नोट्स रेफर कर सकते हो. टीचर्स हमेशा हेल्प करेंगे. केमिस्ट्री आई वुड सजेस्ट दैट यू डोंट गो फॉर एनी एक्स्ट्रा बुक. एनसीईआरटी इज द मेजर थिंग यू हैव टू रीड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू प्रैक्टिस आकाश मॉड्यूल्स टू गेट द हैंग ऑफ द पेपर. टफ टॉपिक्स में हम केमिस्ट्री की बात करें तो एक पी ब्लॉक मेरे ख्याल से सबका कॉमन चैप्टर रहेगा.
जो जिसे कहते हैं कि काफी टफ है, सिंपल रीजन है उसको टफ कहने का कि चैप्टर काफी लंबा है। तो उसकी आपको स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि मेरे हिसाब से जितने अच्छे से आप उसको करोगे, मतलब जितने अच्छे से आपने उसके नोट्स बना लिए, आपने सारा कुछ नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो फिर आप नोट्स पढ़ोगे, आपने हाथ से नोट्स लिखे होंगे, तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। बाद में उसकी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर आपको लगता है आपने सारे पॉइंट्स नोट्स में एंटर कर दिए, तो नोट्स ही आप पढ़ोगे वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा और टाइम सेविंग भी काफी देगा। जनरली दो तरीके से प्रिपरेशन होती है, या फिर तो आप एक ही चीज को ज्यादा टाइम लगाकर प्रिपेयर करो और अच्छे से कर लो, या फिर दूसरी स्ट्रैटेजी होती है बच्चों की एक ही चीज को बार बार पढ़ो। तो मेरा फोकस पहली स्ट्रैटेजी पे था कि एक ही चीज को कम बार पढ़ो लेकिन काफी अच्छे से पढ़ो। तो मैंने कोई अलग से ऐसे फॉर्मूला चार्ट नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फॉर्मूला चार्ट अलग अलग चैप्टर के हों तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डाइल्यूट हो जाता है। फॉर्मूलाज पढ़ो तो उसकी पहले डेरिवेशन जरूर पढ़ लो, डीप में डायरेक्टली नहीं आएगी लेकिन डेरिवेशन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक्चुअली जिस टाइप का पेपर आ रहा है केमिस्ट्री का, वो शॉर्ट पेपर टाइप आ रहा है, मतलब आपको केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम नहीं देना, आपको 30 मिनट्स में केमिस्ट्री सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि फिजिक्स लेंदी आ रही है, इस बार आई और हो सकता है आगे भी आए। तो केमिस्ट्री में आप ये लेके चलो, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने, जल्दी मॉक टेस्ट करो, टाइम लेके चलो। केमिस्ट्री को मुझे 30 मिनट से ऊपर नहीं जाने देना, 30 मिनट्स को लिमिट रखो, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, अपने टाइम को डाउन करते रहो केमिस्ट्री में, कि 30 मिनट्स के विद इन मुझे केमिस्ट्री पूरी करनी है, ताकि फिजिक्स को जो लेंदी पार्ट होता है उसको टाइम ले सकूं। अब मैं बायो की बात करता हूँ, बायो के बारे में बताता हूँ। तो अब तक तो मेरे ख्याल सारों को पता होगा कि बायो में एनसीईआरटी के बाहर पूछा नहीं जा रहा है, वही है आपके सामने दो बुक्स हैं, उसी से सवाल आने हैं। बात ये होती है कि उसको कैसे पढ़े एनसीईआरटी पे। बायो में आपके पास काफी सारी चीजें हैं एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफी डिटेल में नहीं है एनसीईआरटी में, तो उसके लिए आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। बायो में भी जितने आप क्वेश्चन करोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, बायो में स्पीड बहुत जरूरी है, क्योंकि बायो में जो आपकी रिदम रहेगी वही आगे कंटिन्यू होगी पेपर में। तो बायो में अगर आप स्पीड रखते हो, बायो में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कि आप क्वेश्चन इतने अच्छे से आपने किए हुए हैं कि आप देखते ही बता सकते हो। बायो में भी कई चीजें हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो उन जो वो चीजें हैं उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करो। जो आजकल पेपर में आ रही है वो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम तो स्टार्टिंग से थे, वो अभी भी चल रहे हैं, उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, दो से तीन क्वेश्चन आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी मेरे ख्याल से अभी का सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है, जो नीट में काफी पूछा जा रहा है एंड बच्चे काफी कंफ्यूज भी होते हैं उसमें, तो वो मैं बोलूंगा कि उसको काफी अच्छे से कर लो, बार बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ो उसको। प्लांट फिजियोलॉजी में आप चीजें को समझ भी सकते हो, तो उसको समझने का भी ट्राई करो एंड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अच्छे से भी हो जाता है। अब मैं बताता हूँ कि पेपर के टाइम मेरी क्या मेंटालिटी थी, मुझे क्या लग रहा था, मैंने पेपर अटेम्प्ट कैसे करा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, जितना भी आपने पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, अब इस टाइम पे आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी अपने ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए, जितना पढ़ा है उतना ही आएगा, उतना ही हम करेंगे। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो आपकी 2 इयर्स की पूरी जो भी मेहनत है वो बेकार हो सकती है। तो पूरे कूल माइंड से आप पेपर स्टार्ट करो एंड सबसे पहले मैं आप चूंकि बायो अटेम्प्ट करता था, approximately I used to give around half an hour, 40 minutes to bio, followed by chemistry, which I used to devote around half an hour and then and to bio mein 90 questions ke liye I think 30 minutes kaafi hote hain, chemistry mein 30 se 40 minutes aap de sakte ho and baki time aap physics ke liye rakho, kyunki physics kabhi kabhi lengthy aa jati hai aur usme time lagta hai। OMR filling ki baat hai to mere khayal se har subject ke baad OMR fill karni chahiye, हर क्वेश्चन की बात करने से आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आई सजेस्ट बायो करी फिर फिल करो, केमिस्ट्री करी फिर फिल करो, फिजिक्स करी फिर फिल करो। तो